और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। बाजीगर मैं बाजीगर, अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो? हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको फिर से सुनाएंगे सस्ती शायरी। बट आज हमने अपनी सस्ती शायरी में थोड़ी सी ना तब्दीली की। आज हम आपको चार लाइनों की सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो अर्ज़ किया है बाबा जी कि पता नहीं क्या बात है इस गेम में, लेकिन मुझे लगती है बहुत खास। वाह 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 वाह। पता नहीं क्या बात है इस गेम में, बट मुझे लगती है बहुत खास। एमओ मांगो दोस्त से तो कहता है मेरे पास नहीं है, बट 600-700 एमओ होगी उसके पास। सस्ती शायरी, ख़राब शायरी, घटिया शायरी, फजूल शायरी, उल्टी सीधी शायरी विद एनोनिमस लॉल। तो वैसे ये बात भी है गाइस, जब दोस्त से एमओ मांगो ना तो बोल देगा कि मेरे पास नहीं है, बट उसका बैग खोल के देखो जॉर्ज पुल की सारी एमओ उसके पास मिलेंगे। तो हम आए थे लाहौर अपने जॉर्ज पुल और दो स्क्वाड खेल रहे थे। जो भी भैया अलग चले गए, हम ग्लाइड करके अलग आते, बंदे देख रहे थे और लेफ्ट पे बंदे गए। तो बस गाइस मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद मेरे पे आ जाएगा पूरा स्क्वाड बाबा जी। तो मैंने इनको दो को नॉक किया, एक को जुबी ने नॉक किया था और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैंने पंच किया। तो मैं बैग से उठाऊंगा, भाई के बैग से ना ये वाला आउटफिट भी उठा लूँगा। मैंने ना ब्लैक वाला लिया है गाइस, और ये वाला मुझे अच्छा लगा, ब्लैक वाला मुझे नहीं लगा, बट मैं ब्लैक वाला ले लिया। आप लोग मुझे बताओ कौन सा वाला अच्छा था। वाह भाई वाह, मतलब पिछवाड़े पे गोलियां मारना कहते हैं इसे गाइस। तो गाइस कल वीडियो नहीं है, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ लिया मैंने सही में। एक आदमी मेरी चाय की प्याली है और दूसरे हाथ में मेरा कान है, तो मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी कहता हूँ एनोनिमस की पब्लिक। तो यहाँ पे हमने इन भाई को किया नॉक फिनिश। अब जूबी पे आ जाते हैं बंदे और मैं कान पकड़ के दोबारा आपसे सॉरी कहता हूँ। और लेकिन जब आपको पता मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता आपके लिए, उसके बाद मैं दो लेके आता हूँ। एक्चुअली गाइस अपलोड तो मैं रोज़ करूँ, बट जब बनता नहीं है ना, बहुत मेहनत से बनता है, जब नहीं बनता तो फिर नहीं अपलोड कर पाता। जूबी हो गया था नॉक, अभी मजे से कर रहे हैं जूबी की लूट। जैसे हमारे टीम मतलब जूबी का टीममेट तो आके मारेगा नहीं, कितने मजे से तीनों उसकी लूट करेंगे गाइस देखना। वाह भाई वाह 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 वाह। तो हमने गाइज इनको किया फिनिश, क्योंकि इन्होंने हमारे टीममेट को कर दिया था फिनिश। अब देखना गाइज इनका टीममेट जो है ना वो इतने मज़े से आएगा और इतने फनी तरीके से नेट से मरेगा ना वो। अब मुझे बताना कभी आपने ऐसे नेट से बंदा मारा? मैं मारा तो मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी। लाइक हम मैं और जो भी दोनों हंस रहे थे। अब मैं नेट निकाला और अभी देखना गाइज। लॉल बाबा जी। तो गाइस हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी। तो हमने लाहौर से फिर लूट वगैरह की, नाइट डे नाइट था ये। और ये मेरा रैंक था इसमें गाइस एस 2 स्टार, वो अपॉइंट में देख लेना। तो फिर हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी इनकी की लूट बाबा जी, और यहाँ हमें अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड कार 98 के मिलेगी। उसको उठाने के बाद गाइस हमने कौन सा पे टैक्स लगाया, कॉम्पनसेटर चेंज करेंगे और लूट करने के बाद जाएंगे सीधा उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी और फिर सीधा गैस पहुंचेंगे चॉपिंग की। अभी लूट कर लें पहले बाबा जी, फिर हम पहुंचे अपनी मेहरान गड्डी उठाने के लिए और मेहरान गड्डी से जाएंगे सीधा चॉपिंग की। गैस कल वाले लाइक्स भी ना आज करने हैं आपने, क्योंकि कल आपने लाइक्स नहीं किए। अब आपने ना सब ने लाइक बटन ठोक देना बस, जितने ज़्यादा लाइक्स कर सको तो गैस कर देना। मैं कोई आज गोल नहीं रखूँगा क्योंकि मैं एब्सेंट था। आपका दिल करता तो कर देना, नहीं करता तो नहीं करना, क्योंकि मेरी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए एब्सेंट होने की। बट फिर भी कर देना एनोनिमस की पब्लिक। मज़े से गाइस जा रहे थे, देखो गाइस ये बाइक पे बैठ के यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। इतनी जल्दी गाड़ी आई और इतनी जल्दी गाइस मैंने इनको मारना, इनको भी समझ नहीं लगी होगी बाबा जी ये हुआ क्या। ये अंदर ही अंदर बोलोगे ऐसे ऐसे बाबा जी नहीं, बल्कि जब इन्होंने मुझे देखा होगा ना गाड़ी आ रही है, तो फिर मैंने टीममेट को बोला होगा आई नीम इज अहेड लॉल। आई मैं आपको ना गाना भी सुनाऊंगा, हमारा ऑफिशियल गाना। तो गाना कुछ ऐसे है कि मौत को छूके टक से वापस आए मौत को छूके। और सुनाया ना तो बस फिर आपके घर वाले ना आपसे मोबाइल छीन के ना बंद करके रख देंगे कि ये कौन है पाकिस्तानी ढिंचक पूजा।
तो फिर इसलिए हम गाना नहीं गाते। फिर गाइस मैं ब्रिज कैम करने के लिए आ गया था और इतनी देर में आ जाते हैं ब्रिज पे बंदे। अब मैं बग्गी आ रही थी तो मैं आगे जा रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी ना ओपन थी थोड़ी सी और वहाँ से नज़र आ रही थी, तो मैं थोड़ा आगे के कैंप करने के लिए जा रहा था। अब पूरा स्क्वाड आ जाता है बग्गी वाले को मारने के लिए, और बग्गी वाले को मारने के बाद भाई वो देखो गाइस एक कैम उसके पास है, वो अपडेटेड अपग्रेडेड, अपनी अंग्रेजी वैसे कमज़ोर है, अपग्रेडेड जो भी होता है गाइस। अब ये इतने मज़े से मारते हैं, उनको होश नहीं था ब्रिज कैंप है या नहीं है, और ये बेचारा तो ऑफलाइन होगा। दोनों किया नॉक, अब एक को कर देंगे गाइस फिनिश, और ये फ़ौरन से करेंगे अपने टीममेट्स को बचाने के लिए स्मोक। गिनी वाले को नीचे से बॉडी लगा था, मैं डेट को स्प्रे दिया, और इसी के साथ मेरी चाय भी फिनिश हो गई। और अब हम दोनों हाथों से एडिटिंग करेंगे क्योंकि एक हाथ से हम लाइक हाथ से तो नहीं बट मुंह से एडिटिंग कर रहे थे। एक हाथ हमारा जो है वो हमारे आईपैड पे था, दूसरा हाथ हमारा हमारी चाय की प्याली पे था। अगर सुबह मैं नेड बसाया और एक नेड ना लाइक ऊपर लग के ना लोहे के ऊपर मुझ पर ही आ गया था, और एकदम जिंदगी खतरे में आ गई थी। फिर मैं लेट के यहाँ पे हील किया। अब अगर जिनका एक बंदा ब्रिज के नीचे जंप कर लेगा ठीक है, और दो बंदे बाकी सामने चले जाते हैं। अब बॉडी लगा, मारा हेड था पता नहीं, बॉडी लग गया बट कोई बात नहीं। नहीं कर लो भाई कर लो, हम पे नेड कर लो। एक स्मोक की गाइस आगे फिर, और हम करेंगे रश बाबा जी। अब मैं राइट पे फेंक दूंगा मॉली, और यहीं से बंदा मॉली में आ जाएगा एकेएम वाला आई गेस। ओए होए गाइस ये ऑलमोस्ट ले गया था ये बंदा, क्योंकि मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि ये मॉली के अंदर से आ जाएगा, लेकिन भाई साहब मॉली के अंदर से आया तो उनके पिछौड़े मॉली लग गई और हमें ये नॉक मिल गया मॉली का। और फिर हमने इनको किया कन्फर्म। अब इनका एक बंदा बचा था जो कि चला जाता है गाइस ब्रिज के नीचे से पीछे, तो मैं देखने आ रहा था उसको कहाँ पर है। तो लाइक जूबी स्पेक्टेट कर रहा था ना, तो उसने बताया कि एक बंदा उनका ना ब्रिज के नीचे गया था, वो जिंदा है। लाइक आपका टीममेट जब एक मर जाता है ना तो आपकी ऐसे छोटी छोटी हेल्प करता रहता है। तो फिर मुझे याद आया हाँ भाई ब्रिज के नीचे बंदा जंप करके गया था, तो मैं उसको देखने के लिए आ जाता हूँ। अभी आपको नज़र आया था वो भागता हुआ, वो साइड पे चला गया था, तो मैं क्लोज इन करता हूँ थोड़ा सा। लाइक उसका टांग नज़र आई थी उस टाइम पे, अगर आपने गौर से देखा हो। अब ये यहाँ पर भैया हमारे बैठे थे, कान के नीचे लगाया क्रेट बनाया, भाई हमारे वापस लॉबी चले गए, और फिर हमने इनकी लूट की उठाई छिपकली, और हम अब बंदे काफ़ी कम लाइफ रह गए थे क्योंकि गाइस सीज़न ख़त्म होने वाला है, सब रश करके खेल रहे हैं। और फिर यहाँ पर बचे थे पांच बंदे ड्रॉप के पीछे, ये लोग किसी और को मारे थे, मैंने लेवल 3 हेड दिया, और ये दोनों बंदे इतने मज़े से स्नाइपिंग फाइट ले रहे थे मुझसे, दोनों को लेवल 3 हेड दिया। और इनसे ना गाइस बहुत देर तक मेरी स्नाइपिंग फाइट चली थी, लाइक अभी देख लो मेरे पास 18 एमओ सारी ख़त्म हो जाएगी इन्हीं से लड़ने में, बहुत मज़ा आया था। और दोबारा हेड लगा उसको गाइस, अब देखो दो हेड लेवल 3, क्या अब भी हेलमेट नहीं टूटा भाई तुम्हारा। तो गाइस उसके बाद मैं क्लोज इन भी कर रहा था, हम दोनों ही जोन में थे, वो लोग भी जोन में थे, मैं भी जोन में था, अभी दो थे दो मैं था, तो अभी और भी बंदे बाकी थे। तो अच्छी बात ये थी स्प्रे नहीं कर रहे थे, इनको भी शायद स्नाइपिंग पसंद थी, भाई दोनों स्नाइपिंग में लगे हुए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था बहुत। गाइस देखो कितना क्विक मार रहा था बंदा, हेड दिखा रहा है शॉट ले रहा है पीछे लॉल। फिर मैं क्लोज आ गया बहुत ज़्यादा इनके, ओहो अगर अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो भाई इस हेडशॉट के लिए तो ठोक दो, कितना मज़े का गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का हेडशॉट था। और उसके बाद गाइस हम थोड़ा सा करेंगे बूस्ट, बूस्ट से मारते रहा करो गाइस फाइट में, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सम टाइम आपको लेवल 3 हेड लग जाए ना और आपने बूस्ट कर रखा तो आप मरोगे, नॉक नहीं होगे या मरोगे नहीं, सिर्फ बूस्ट की वजह से, और बूस्ट नहीं होगा ना आप मर जाओगे, बूस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइस आपकी। तो यहाँ पे मैं इनकी बाइक पाड़ रहा था कि शायद कोई नॉक हो जाए, उन्होंने खुद से बाइक ब्लास्ट कर दी। बंदा इनका जोन में जाता है तो मैं लाइक जोन की जोन में नहीं बट हाँ रोटेट करता है मुझे मारने के लिए, मैं नॉक कर देता हूँ, एक ही बंदा बचा है वो पीछे है, और मुझे लाइक स्नाइपिंग फाइट है मेरी सिर्फ एक एमओ रह चुकी है। फिर यहाँ पर जब रह जाती है एक एमओ तो काम हो जाता है ख़राब, और फिर हम करते हैं स्मोक्स। अब इसका एक नॉक है गाइस, ये 1v1 था और स्मोक वॉल मैंने बनाई थी क्लोज इन जाने के लिए, क्योंकि अगला सर्कल मुझ पर नहीं बनने वाला था क्योंकि मैं बिल्कुल एज पर हूँ, और वो बंदा फिर भी थोड़ा बहुत सेंटर में है, मुझे किल मिल गया, एक ही बंदा लाइव था। अब देखना गाइस आखिरी किल लाइक सच में बहुत ही ख़तरनाक निकलने वाला है। और लो टॉस पे था सॉरी, मैं देखा नहीं लेट के समझ नहीं लगी लो पे या हाई पे। यहाँ पे नेड कर दिए मैंने मेरे पास जितने थे कि शायद से उसको डैमेज हो। अब ये बंदा भी जोन में नहीं था, उसने मुझ पर रश करना था,
बाबा जी जिंदगी खतरे में आ गई थी गाइस। और ये आप रैंक देख सकते हो, सही है, एस टू स्टार था मेरा और काफ़ी लंबा गेम प्ले गया था। डैमेज भी ऑलमोस्ट 3300 पहुंच चुका था। फिर गाइस अब छुट्टी थी कल, तो मैं आज आपके लिए दूसरा गेम प्ले लेके आया। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का गेम प्ले था। इसमें अब दो बंदे नॉक किए थे मेरे टीममेट्स ने, फिर मैं रश कर देता हूँ साइड से। और ये गन फाइट में ये स्क्वाड मर जाता है। अब मैं काफ़ी कट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि दो गेम प्ले तकरीबन एक घंटे के बनते हैं और मैं उसको लाइक 20-21 मिनट में कन्वर्ट करूँगा आप लोग के लिए। तो मतलब काफ़ी कट करके दिखाया। फिर गाइस स्क्वाड को मारने के बाद हम लोग जब मैं देखा राइट पे ना मेल्टा पावर में चली थी 3-3 फ्लेयर, और ये फ्लेयर चलाई थी गाइस चाइनीज स्क्वाड ने। मैंने टीममेट्स को बोला भाई आ जाओ गाड़ी में, जाते हैं यहाँ से, फाइट लेते हैं, 3 फ्लेयर की लूट मिलने वाली है। बट हमें ज़रा आइडिया नहीं था कि ये फाइट इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल होने वाली है। सोच से ज़्यादा मुश्किल फाइट हो गई थी क्योंकि चाइनीज़ जो होते हैं ना ये भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं। इनका एक तो पिंग, दूसरा इनका आई क्यू मतलब जितना अच्छा दिमाग चलाते हैं ना ये भाई नेक्स्ट लेवल। तो फिर गाइस मैं रश कर देता हूँ, बंदा मुझे नज़र आया, बहुत ज़्यादा लो बचा हुआ गाइस आपके सामने ये बंदा, बहुत लो। डीपी मेरे पास थी और फे मैं यहाँ पे दूसरे चाइनीज़ को किया नॉक, जिसने ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी डाउन कर दिया था। मैं नॉक होने वाला था और हमारी टीममेट हो चुकी है नॉक, और फिर पीछे रिवाइव मिलेगा उनको और मैं यहाँ से अपनी हेल्थ पूरी करूँगा। अब बात यह गया हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं था और हम लोग ना कोई ज़्यादा अच्छी जगह पे नहीं थे, तो अब हमें फैसला करना था कि हम लेफ़्ट से इन पे रश कर दें या राइट से कर दें। तो पहले अब मेरा लेफ़्ट देख लो एकदम ओपन है, ठीक है, और फिर राइट में फिर थोड़ा बहुत जो कंटेनर्स हो वो नीचे जो है स्विमिंग पूल टाइप जो भी है वो लाइक थोड़ी सी कवर है राइट में। तो हमने फैसला किया कि हम लोग राइट से रश करेंगे, सबके सब राइट से जाएंगे। तो ये लोग स्मोक्स वगैरह बना के कवर दे रहे थे और ये पीछे कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी कवर ले सकते थे। एक रैंडम नेट किया और फिर मुझे कॉल आई कि ना भाई राइट से रश करते हैं जहाँ पे मेरा मार्क है। हमने कहा ओके भाई यहाँ से रश करते हैं, लेफ्ट से जगह नहीं थी। फिर गाइस हम सब ने कर दिया राइट से रश चाइनीज स्क्वाड पे, और एकदम नीचे से जा रहा हूँ ताकि मुझे स्पॉट करके शॉट्स ना दें। तो ऐसे ना अपने टीम वर्क के साथ खेला करो, टीम की कॉल फॉलो किया करो। अगर वो गलत कॉल दे रहे हैं तो आप उनको समझाओ कि भाई नहीं ये कॉल गलत है। अगर सही दे रहे हैं तो आप 100% उनका साथ दो, अच्छी लॉबी में आप ऐसे ही सर्वाइव कर पाओगे अच्छे स्क्वाड के सामने। फिर अभी थोड़ा सा ओपन था और मेरे पास ना नेड बचे थे ना स्मोक, जो कि बहुत गलत बात थी, और इसी की वजह से ना हम लोग अभी मुश्किल में आने वाले हैं। जूबी पहुंच चुका था और मैं सबसे पीछे था। अभी हमारी टीम मेट नॉक को ऊपर से नॉक किया था, फिर मैं यहाँ दोनों को डाउन कर देता हूँ गाइस डीपी से। और अभी मुझे जाना है आगे की तरफ। अच्छा ये जूबी जो है ना ये लाइक जूबी नहीं है, हाँ जूबी जो है वो सवीना है और सवीना जो है वो जूबी, ये दोनों आपस में एक दूसरे की आईडी से खेल रहे हैं लॉल। तो अब जूबी जो है वो मुझे कवर देता है यहाँ पे जब मैं नॉक हो जाता हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा था बंदा और हमारे पास स्मोक भी नहीं थी, तो इस वजह से ना हम लाइक अंदर आते आते नॉक हो गए थे। अब मैं और जूबी नॉक थे, हमें मिल रहा था रिवाइव। और स्मोक जो है ना गाइस इसलिए आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, बेशक आपके पास नेट्स कम है कोई बात नहीं, स्मोक लाजमी पिकअप कर लो, स्मोक जो है ना बहुत हेल्प करती है। हमारे हीलिंग भी नहीं थी आपके सामने क्योंकि हम लोग जल्दी से नोवे से निकल आए थे, एक एक फर्स्ट एड हमें मिला, हम करेंगे हील। अब लेफ्ट से वो बंदा रश करेगा तो दोबारा से नॉक कर दिया जाएगा। ऊपर रिवाइव देने के लिए बंदा भागा है जो ऊपर दो नॉक थे। फिर मैं फर्स्ट एड लगा कर फ़ौरन से आ देता हूँ इस साइड पर ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर हम पहले बूस्ट करेंगे क्योंकि बूस्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लाइक सवीना नॉक हुई थी और फिर डियोना नॉक किया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आप लोग के लिए भी क्योंकि ये नमूने ना एक दूसरे की आईडी से खेलते रहते हैं दोनों। और फिर गाइस मैं अकेला कर देता हूँ ऊपर, रश टीपी मेरे पास थे मुझे था कि हाँ भाई मेरे किल है ना, जब आपको किल होते हैं ना फिर आपको थोड़ा सा ऐसा बुरा लगता है अपने किल्स के लिए। अब इनको ज़रा आइडिया नहीं था मैं ऊपर आ गया, और अभी एक और बंदा बचा था वो भी ऊपर ही था पीछे बैक साइड पे गिली सूट में। तो यहाँ मैं फ्री फायर दिया गाइज, मुझे था वो सामने आ जाएगा बट वो आ नहीं रहा था, फिर मैं प्रोन से दोबारा खड़ा हुआ। आजकल मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ जब रश हो रहा होता है ना लेट जाता हूँ कि लाइक सामने वाले को आइडिया भी नहीं हुआ कि बंदा लेटा होगा सामने जब मैं जाऊँगा, तो अकल इस्तेमाल करके ना मैं प्रोन हो जाता हूँ आने का वेट करता हूँ। और आज आप मेरी ये ट्रिक देखोगे आगे वाले गेम प्ले में भी। तो फिर हमने यहाँ पर लूट की मज़े से और फिर नीचे आ रहे होते हैं तो इनका एक आखिरी बंदा जिंदा होता है जो भाई जिसके तीन बंदे मर गए। अब मैं कवर दी यहाँ पे और गैस मैं नॉक भी किया बट वो बंदा ना लाइक फिनिश कर रहा था, उसने कसम खा ली थी कि मेरे तीन मारे ना तो मैं भी फिनिश करके ही जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है ना ईजू भी ज़िंदा होता है बट सवीना फिनिश हो जाती है, और फिर हम यहाँ पे लूट करेंगे। और लूट करने के बाद गैस चाइनीज़ स्क्वाड से हम लोग आ जाते हैं जोन के सेंटर में। काफ़ी वेट किया भी लाइक मैं काफ़ी कट कर दिया गेम प्ले, हमने ड्रॉप भी लूटा था उस दरमियान और काफ़ी होल्ड भी किया था,
तो वो पार्ट मैं कट कर देता हूँ। फिर मैं स्पॉट करा था क्योंकि हमारी गाड़ी पे शॉट्स लग रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा दूर से मार्क नहीं आ रहा था बट गाड़ी पे टन 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 ऐसे हो रहा था। उसके बाद कैसे देते हम पे रश, अब पाकिस्तानी स्क्वाड था और बहुत अच्छा स्क्वाड था जिसने रश किया। मैं एक नॉक किया और अब हमारा भी एक नॉक हो चुका है, जूबी भैया हमारे नॉक हो चुके हैं और अब मुझे यहाँ पे नेड करना है। और लाइक गेम प्ले नहीं बनाता था मैं, इतना ज़्यादा वो था ना, समझ सोच समझ के खेल रहा था ना आराम से, वरना अगर गेम प्ले बना होता ना गाइस मैं यहाँ घुस जाता, मुँह पे चला जाता और जाके मर जाता। मेरे साथ यही होता है, मैं रुकता नहीं हूँ फिर और इस चक्कर में मर जाता हूँ। तो इस बार मैं बड़ा होल्ड करके दिमाग से नेड वगैरह करके खेल रहा था और फिर मैं एक नेड से लेफ्ट पर नॉक किया, एक नेड से राइट पर नॉक किया, आखिरी बंदा बचा ही है। गैस देखो यहाँ भी मैं वही सेम ट्रिक यूज़ की थी बट भाई साहब आए नहीं आगे, बट हमने यहाँ पे पाकिस्तानी स्क्वाड अपने भाई लोगों को किया फिनिश। लेकिन बुरी बात ये थी कि हमारे जूबी भैया फिनिश हो चुके हैं, अब हम दो बंदे बचे हैं। और सर्कल ऐसा था यासना के पास वाला, आपको पता ही है ऐसे जहरीले जहरीले सांप मिलते हैं ना आपको, क्या बताऊँ। और फिर लूट चाहिए थी क्योंकि हमारे पास लूट की ना मैच शुरू से कमी थी। और गैस मैं एक बात नोटिस की कि हमें ना अब आज जितने ही मैचेस मैंने खेले हमारे पास लूट बहुत कम थी। तो आप लोग मुझे बताओ कि लूट कम हो चुकी है, आप लोग को भी कम मिल रही है या बस हमारे साथ ही ऐसा हुआ। तो ये बंदा दूर से मार रहा था, इसको मैंने यहाँ पे कान के नीचे लगाया अपनी पहली मोहब्बत एड बिम से और नॉक किया। और अब गाइस एक और स्क्वाड रश कर देता है साइड से, तो इन भाई साहब को तो मैंने नॉक इन फिनिश किया। आपको पता है देखो गन ग्लिच हो रही है गाइस, बंदा टीपी पी ले रहा है, मैं यहाँ पीक करके बैठ गया। तो भाई इतना ओपन में पीक करके बैठा था ना कि मुझे पता था इस भाई को ना लालच आएगा किल का और ये शॉट लेगा, इसने वही किया। और फिर मेरा एम बिल्कुल इसी के ऊपर था, तो जैसे उसने पीक ली मैंने यहाँ पे नॉक किया। इनका आखिरी बंदा बचा है गाइस, वो क्या वो अंदर था, और यहाँ भी मैं वही ट्रिक यूज़ की। लेकिन गाइस अब मैं एक बात आपको बता दूँ, ये ट्रिक मैंने इस गेम प्ले में को 3 बार यूज़ की और मैं फेल हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ना देखना आप आने वाले गेम प्ले में देखोगे सम ले ये ट्रिक ना कहीं ना कहीं मेरे बहुत काम आ जाएगी, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। फिर अचानक से मुझे गिली सूट वाला बंदा नजर आता है गाइस, मैंने उसको स्पॉट किया और यहाँ पे मैं इसको फिनिश करूँगा। बट दूर से कवर मिलती है, समझ नहीं आ रहा था, देखो मार्क नहीं आ रहे थे, पड़ कहाँ से रही है, तो मैं फ़ौरन से पीछे भागा क्योंकि मुझे नहीं पता था बंदे मार कहाँ से रहे हैं। लेकिन मुझे था ये बंदा रिवाइव हो जाएगा और एक बंदा उसको रिवाइव करने के लिए आ भी रहा था वहाँ से, मैंने देखा था। और फिर फिनिश हो जाता था, मैं नेट कैंसिल कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। अब गाइस 6 बंदे बचे थे और जोन जो था ना हम पे था, लाइक आगे थोड़ा सा गए तो जोन मिला और यहाँ पे बंदा बैठा था, उसको गिली सूट में ना पाँव नज़र आ रहा था बिल्कुल नीचे से, लाइक ये गोल होता है ना तो साइड से नज़र आ रहा था। एक शॉट लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लूट करूँगा क्योंकि सर्कल हमसे निकल चुका था। मैंने यहाँ पे जितने नेट थे गाइस वो उठाए और फिर हम स्मोक वॉल्स बना के जोन में जाएंगे। तो मैंने 3-4 स्मोक कर दी यहाँ पे, हमें टीममेट बंदे स्पॉट किए थे उन्होंने भी, और मैं भी आगे बढ़ा स्मोक में और जाके फॉर्म से प्रोन हो जाऊंगा। अब गैस आपको याद है वो गिली सूट वाला बंदा जिसके पाँव पे गोली मारी थी, वो सामने वाले उस पर है रोल पर, ये जो ऊपर है ना हमसे वहाँ पर है। और अभी मुझे और पता नहीं था कहाँ कहाँ बंदे हैं, तो बस एक का कन्फर्म था वो देखो, अभी बंदा टैग था। तो मैं अपने टीममेट को भी बोला कि भाई आप भी नेट करो, मैं भी इस पर नेट करता हूँ, दोनों का नेट फेंकेंगे तो शायद ये एक के नेट से फट जाए। तो फिर हम दोनों नेट निकाले और दोनों अपना नेट उस तरफ फेंक देंगे, तो शायद से दोनों के नेट ना कुछ ज़्यादा पीछे चले गए थे। फिर बस मैं रश कर देता हूँ उसकी तरफ, और गैस पर इसको कर देते हैं यहाँ पे हम नॉक, और यहाँ पे भी इसका दूसरा टीममेट भी मार दिया गाइस। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा था जो कि नज़र आ जाता है मेरे टीममेट को, उनके पास ऐसा एंगल था, मुझे जब तक नज़र आया तब तक मैं किल उठाने में नाकाम रहा और हमें यहाँ पे मिला विनर चिकन डिनर। तो गाइस ये 2 गेम प्ले थे, मैं 2 अपलोड की क्योंकि मैं जो था ना एब्सेंट था। फिर मैं अब TDM भी नहीं अपलोड कर रहा था, तो मैं TDM का भी मैच लेके आया गाइस। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट कॉम्बो यूज़ कर रहा था M416 और Uzi। अब मुझे गाइस ऑनेस्टली बताना, और यहाँ पे ना मैं एकदम हग दिया, मैं सच बताऊँ मैं बहुत गंदा कर दिया था यहाँ पे, लाइक मेरा एम अटक गया था। और गैस मुझे सच से बताना कि आपने सबसे मतलब गेम स्टार्ट हुई और नेट फेंका और क्या आपके नेट से कभी बंदा फटा है जैसे अभी फट गया था, कमेंट्स करके बताना। तो गैस हमारे 2 किल थे, no
और ये हमें एक स्प्रे में गए तीन बंदे अल्हम्दुलिल्लाह ले जाता हूँ, हमें मिल जाते हैं हमें 5 किल और फौरन से मैं पीछे आ गया। बाबा जी फिर हम उजी गैस वाकई में बहुत पावरफुल गन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है और इसका एक्सटेंडेड मैग मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, जल्दी से गन रीलोड कर देता है। ओ भाई मार उसको रहते, ये बंदा आगे आ गया, लॉल। ओ वाला म्यूज़िक लगना चाहिए यहाँ पे, कोई नहीं बेइज्जती हो गई, कोई नहीं बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बेइज्जती छुपाने का नया तरीका। फिर गाइस ये बंदा आया था यहाँ पे, इसको किया फिनिश, 8 किल हमारे हो चुके हैं और लीड है हमारे पास 13-7 की। भाई की टांगों पे गोली मार के इनको किया, 9 किल हो चुके थे हमारे। सामने से दूसरे भैया आ रहे हैं, इनको यहाँ पे फिनिश किया, अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 हो गए थे किल। यस वो बंदा गाइस अभी भी आया था जिंदा होके, तो उसकी ना हेल्थ नहीं जा रही थी वरना मैं अपने टीममेट को बचा लेता। और अब हमारे 11 किलो चुके थे, 4 की स्ट्रीक थी, यहाँ पे प्रोनो के बचा में 5 की स्ट्रीक हो गई और फिर 6 की हो गई। बाबा जी उजी रिलोड करेंगे। अरे ये क्लैप है भाई आपके लिए, दिल से क्लैप है, बहुत अच्छा था ये, वरना उजी से मेरी 7 की स्ट्रीक हो जाती। भाई ने थोड़ा सा ना हमारे साथ प्रैंक कर दिया, कार 98 की पावर भाई स्टेडियम में। तो फिर मैं ऐसे कवर दिया अपने टीममेट को और दोनों बंदे गए ये 15 किल कर चुके थे गाइस हम, और मैं आई गेस 2 बार मरा था या 3 बार मरा था, आई डोंट नो। 23 और 15 की लीड चल रही थी यहाँ पे हमारी तकरीबन 8 की लीड थी, तो यहाँ पे 16 किल हुए गाइस हमारे। फिर पीक लेके खड़ा है गाइस ये बंदा, और ये कार 98 वाले ये भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं, पीक लेके खड़े होते हैं। ओ भाई और यहाँ गाइस मैं प्रोन हुआ इसलिए बच गया, वरना ये ओम से भाई मुझे भी ले जाते। 28 हो चुके थे गाइस हमारे और यहाँ पे हम तकरीबन 11 की लीड रखते थे इनसे। और फिर मेरी 5 की स्ट्रीक गाइस दोबारा हो गई, यहाँ पे प्रोन होके मैं जिंदा बच गया और हमारी हो गई 6 की स्ट्रीक। बाबा जी ओ भाई क्या लक था, बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया जिंदा बच गया। हेल्थ कम थी तो मैं फौरन से पीछे भागा कि थोड़ी सी हेल्थ पूरी हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं एक 7 की स्ट्रीक हुई गाइस हमारी, ओ बच गया। वो भाई भी बच गए, वैसे उनकी भी हेल्थ कम थी, बट कब तक बचेंगे सर। फिर हमारी गाइस यहाँ पे 8 की स्ट्रीक हो गई, 21 किल हो गए थे और फिर हमने यहाँ पे उठाई नहीं विक्ट्री, अभी नहीं उठी लॉल, यहाँ पे विक्ट्री नहीं थी बट था गो बैक टू लॉबी। और एक ही बंदा बचा था और फिर मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये किल मुझे नहीं मिलने वाला। आई गेस हम 3-4 बार मरे थे और विक्ट्री मिली गाइस हमें, 20 और 40 एक था पॉइंट्स जब हम जीते और हमारे 22 किल थे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार मरे थे। कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से ज़रूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे माफ़ कर देना, अच्छी लगे ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और गाइस कोशिश करना कि आप लोग नमाज़ कायम करें और इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल मुझे गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मज़े क्लिप्स अपलोड करता हूँ वहाँ पे। तो मिलते हैं गाइस कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।